दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण, पहुंचा नए मुकाम पर। देश भर में लग गए हैं कोविड 19 के 100 करोड़ टीके। जांच, उपचार और टीकाकरण, जन भागीदारी से सरकार हर मोर्चे पर हुई सफल। चाहे जरूरी दवाओं की आपूर्ति हो, जरूरतमंदों को खाने पीने से लेकर दूसरी मदद करनी हो, मोदी सरकार ने किया बेजोड़ कोविड प्रबंधन। 11 मार्च 2020 को WHO ने दुनिया भर में कोरोना को एक महामारी घोषित किया था। भारत में भी यह संक्रमण बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तत्काल प्रभाव से कदम उठाए। इस बीच प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के साथ 21 मीटिंग ली, देश को 10 बार संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने कुल 40 से अधिक बैठक ली। वैज्ञानिकों पर भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री जी ने उन्हें वैक्सीन बनाने का सपोर्ट दिया और भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार की। 2 जनवरी 2021 को CDSCO ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। 16 जनवरी 2021 को पूरे देश में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें प्राथमिकता दी गई। 19 फरवरी 2021 को भारत ने 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का कीर्तिमान हासिल किया। 10 अप्रैल 2021 को भारत ने 10 करोड़ वैक्सीन लगाने का कीर्तिमान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीकाकरण को तेज गति देने के लिए पूरे देश में 1 मई 2021 को 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन की शुरुआत की। बेहतर रणनीति और कारगर प्रयास ने बढ़ाई वैक्सीनेशन की रफ्तार। एक दिन में भारत ने 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाकर बनाया नया कीर्तिमान। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देखते ही देखते विश्व का सबसे तेज टीकाकरण अभियान भी बन गया। नेतृत्व अगर प्रतिबद्ध है, संवेदनशील है, तो हासिल हो जाते हैं बड़े से बड़े लक्ष्य। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने लगा दिए 100 करोड़ से अधिक टीके, वो भी सिर्फ 10 महीने के अंदर। सबका साथ सबका प्रयास, जन सामर्थ्य से देश रच रहा इतिहास।